हेलो दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9th मैथमेटिक्स का हम लोग वायरल पेपर ओरिजिनल पेपर बोले तो लेकर आ चुके हैं और 110% वायरल ओरिजिनल प्रश्न पत्र हैं। जिस प्रकार से आपका हिंदी संस्कृत 10th और 9th दोनों का लड़ते आ रहा है उसी प्रकार से भी लड़ेगा, कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर एक आपके एग्जाम में इस प्रकार से आपको हेल्प किया जाएगा, वो कोई भी एग्जाम हो हेल्प किया जाएगा आप लोग को इस चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ना तो आप बाद में पछताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और मैथमेटिक्स से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 50 का ही आंसर बताना है। मैं आपको पूरा का पूरा आंसर बताऊंगा और पूरा पूरा आप लोग जाकर छापिएगा। ठीक है, चलिए चलिए खंड अ और बाद में खंड ब देखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, मतलब प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और एक से भाग लगे, तो एक को ना ही अभाज्य और ना ही भाज्य में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में पाई का सर निकट मान है, मतलब पाई का निकट मान पूछा जा रहा है, तो पाई का निकट मान हो जाता है 3.14 या फिर 22/7, ऑप्शन सी मारिए। चलिए हम डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, आपको समझा कर नहीं बताएंगे, क्योंकि देखिए आपको आंसर की जरूरत है और जल्दी जल्दी से करना है। वो वीडियो पहले अभी अभी बनाए थे, उसमें वीडियो पूरा बना लिया लेकिन उसमें वॉइस ही नहीं आया, ठीक है ना, क्या बताएं हम। देखिए तीन नंबर क्वेश्चन दिया गया बहुपद, यहाँ पर दे दिया गया बहुपद, उसमें बहुपद उसे कहता है जिसका घात सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जिस बहुपद में सबसे ज़्यादा जिसका घात होगा एक्स के पावर उस वही बहुपद होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है एक्स के पावर क्यू, तो त्रिघात बहुपद होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक 2/3 का दशमलव रूप है, तो 2/3 दशमलव का रूप होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर आंकड़ा यहाँ पर दिया गया, इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो आएगा 79, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि बहुपद पी एक्स का मान गुणनखंड एक्स पी एक्स माइनस फोर हो तो पी फोर का मान पूछा जाए, यानी जहाँ जहाँ एक्स है ना यहाँ एक्स के जगह पर फोर रख देना, यानी तो देखिए फोर में से फोर जाएगा तो जीरो बचेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में 105° का संपूर्ण कौन है, तो चलिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75°। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वर्ग अंतराल 30 से 40 में निम्न सीमा है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर अगर आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 0, 10 का 0 आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है, तो चारों कोणों समकोण होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि किसी वर्ग का 1/2 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा उस वर्ग का क्या कहलाता है, तो उस वर्ग का क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा वर्ग चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0-20, 20-0, 40-60 कैसा वर्ग अंतराल है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अतिव्यापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद है, as²+bx+c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद नहीं है, तो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद नहीं है, तो 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई कौन सी होगी, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 3 सेंटीमीटर वाले घन की 1 सेंटीमीटर किनारे वाला 27 घनों को काटा जाता है, तो बताइए कि ये पीटीओ का क्वेश्चन मित्र है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 27 घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन होगा। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए 162 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन एक्स एक्स प्लस वन के लिए पी वन का मान होगा, तो पी वन का मान क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू 0 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पर बनाइएगा तो आएगा 0। ठीक है, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, पी का मान 1 यहाँ पर रखिएगा तो 1-1 जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 0, और 0 में यहाँ पर गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस कोण की मान क्या है जिसका संपूर्ण कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना हो, तो देखिए दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कहे तो क्या कहे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा तो इस चैनल में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कराएंगे, अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक अभी देखिए कि किए हैं कि नहीं, तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 देखिए कि एक घनाकार बक्से का विकर्ण दिया गया कि √300 cm, तो इसका आयतन क्या होगा, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी 1000
सेंटीमीटर की हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 2a सेंटीमीटर होने पर उसकी क्षेत्रफल क्या होगा। तो 22 का आप लोग क्वेश्चन का यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 22 का ही मारिएगा, आप लोग लिख लीजिए कहीं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यदि पी वाई बराबर वाई के पावर 3-2 तथा इतना दिया गया है, तो पी वाई प्लस क्यू वाई का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2y के पावर क्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि समानांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन असत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू असत्य पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए समूह के भुजाओं का एक युग्म में समानांतर और समान लंबाई का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर ए सीए बराबर बी तथा एबी बराबर सी हो, तो त्रिभुज एबीसी की अर्धपरिमिति है, तो त्रिभुज एबीसी की अर्धपरिमिति क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, तो हो जाएगा 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संग्रहित आंकड़ों में किसी पद की पुनरावृत्ति की संख्या उस पद की क्या कहलाती है, तो चलिए तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बारंबारता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिएगा, यदि 3, 7 एक्स और 15 की माध 25 हो, तो एक्स बराबर होगा, तो एक्स किसके बराबर होगा, तो 75 के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 के, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। और दोस्तों में अपना फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो, उसके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन कट गया बाबू, ठीक है। चलिए 29 नंबर का यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से 30 नंबर है, चलो ना आपको 60 नंबर क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बताऊँगा, आपको कोनों 50 को बना लेना है, ठीक है। चलिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद मानक रूप है, बहुपद का मानक रूप पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, तो दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है, तो एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु का भुज ऋणात्मक है और ए बिंदु कहाँ अवस्थित होगा, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाई अक्ष के बाएं होगा, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का निरूपण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है, तो अपरिमेय 25 जो है, सॉरी अपरिमेय पूछे जा रहे हैं, अपरिमेय होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए 20 जो है 20 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि बहुपद यहाँ पर दे दिया गया, ये वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा जा रहा है, इस तरह का आंसर आएगा, तो 35 का आप लोग मारिएगा -13 ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है कि बहुपद पी जेड बराबर दिया गया है यहाँ पर जेड के पावर 4, जब गुणा कीजिएगा ना तो 2 पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी, घात का मान आएगा डी। चलिए 36 का डी हो गया। 37 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया कि वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है कि बहुपद एस स्क्वायर माइनस 3x-7/8 में अचर पद कौन है, तो 38 का राइट आंसर याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक बिंदु के निर्देशांक दिया गया है -1, -3, तो देखिए ये हो गया -, कौना पद में रहता है, तो तृतीय पद में, यहाँ पर देखिएगा ये हो गया ++ प्रथम चतुर्थांश, दूसरा में हो गया -+, तीसरा में -, चौथा में +-, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो देखिए तृतीय में आएगा -, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो असमान कोण रेखाएं युग्म में होते हैं, तो यदि केवल यदि वे हो गए, चलिए तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूरक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम पाद में किसी बिंदु के भुज का चिन्ह होगा, तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बगल के चित्र में एक्स बराबर है, तो 42 का राइट आंसर क्या होगा, 42 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 43 नंबर, √5 और √7 के बीच का अपरिमेय संख्या कितना है, तो √5 और √7 के बीच की अपरिमेय संख्या जब निकालिएगा तो आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है, बहुपद है, तो 44 का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है कि 5 के पावर 1/3/5 के पावर 2/5 का निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 46 नंबर की त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, तो कोण सी बराबर क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज का जो कोण होता है 180 डिग्री पर बनता है, ठीक है, तो देखिए 60 × 120 = 130 और 50 = 180 यानी 50 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि बिंदु यहाँ पर दे दिया गया किस भुज में पूछा जा रहा है, तो -11 होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिए 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सबसे छोटी संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, यानी कि इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या इसको बोलते हैं चार को, ठीक है, चार को बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक को ना ही भाज्य ना ही अभाज्य में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है चार, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 48 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक विषम संख्याओं का रूप है, यानी एम का मान प्रकृति संख्या है। तो देखिए, विषम संख्या यानी कि जिसमें विषम संख्या जुड़ा हुआ जिससे, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या का रूप है एम एक प्रकृति संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इसका जब आंसर लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये सूत्र बाबू, ठीक है, 50 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले बार, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 51 का सी हो जाएगा, 2i-1। तो चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जब इस s² + 4x + 2 को x + 2 से जब भाग दीजिएगा ना, भाग विधि से, ठीक है, तो इसका जब आंसर आएगा तो आप लोग मारिएगा ऑप्शन नंबर a-2, ठीक है। चलिए बाबू, यहाँ पर देखिए दिया गया कि द्विघात पद में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए तो द्विघात पद में क्या होता है बाबू, तो होता है माइनस प्लस होता है, ठीक है। पहला में प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, एक्स वाला का चिन्ह लिख देते हैं, ठीक है, यानी एक्स जो है वो बड़का पौना है, वाई जो है वो छोटका पौना है, ठीक है। तो देखिए, जब बड़का पौना आते हैं तो घर में डीडीएल घुस जाते हैं, लेकिन छोटका पौना नहीं घुसते हैं, ठीक है। तो वही होता है, नया नया जो है ना वो एक्स है, एक्स का चिन्ह रखते हैं, एक्स का जो चिन्ह रखते हैं ना वो पहले रखते हैं। देखिए यहाँ भी देखिएगा, तो एक्स इधर आता है प्लस में, तो प्लस वाला का पहले लिख दिए। इधर देखिए एक्स इधर माइनस में, तो माइनस पहले लिख दिए। फिर इधर देखेंगे तो इधर जो एक्स है उसको पहले लिखेंगे माइनस वाला, फिर इधर आएंगे तो एक्स प्लस वाला लिखेंगे, ठीक है ना बाबू। तो ये चीज़ समझिए, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है बाबू, तो आसान था, अनावर्ती होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बाबू ऑप्शन नंबर सी मारो ना, 27 का कहीं वर्गमूल सुने हो, किसी भी संख्या का 27 वर्गमूल ना, तो ना। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर का क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट मारिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह से प्रश्न दिया रहे पूछो तो रेकरिंग हटाइए, ठीक है, जितना संख्या रहे उतना नौ नीचे लिख देना है, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक है। चलिए आपको डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा, 10वें में जाइएगा तो, ठीक है। अभी क्वेश्चन का आंसर मारिए केवल दंदन, ठीक है। चलिए, पी के किस मान के लिए यहाँ पर एक का गुणनखंड होगा, इतना का गुणनखंड, तो 57 का मारिएगा ऑप्शन नंबर सी 6, ठीक है। किसी बिंदु के निर्देशांक दिया गया यहाँ पर देखिए 5.0। तो देखिए प्लस प्लस किस में होता है बाबू, तो होता है प्रथम में। तो प्रथम में एक्स का मान जो होता है वो क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स के पावर जब 0 करिएगा तो क्या होगा, तो मान 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर बाबू प्रश्न यहाँ पर थोड़ा नीचे हो गया है, ठीक है। तो 60 नंबर के आंसर हम बता देते हैं, 60 का सी का दिया गया है, सी में का दिया गया बाबू, 80 डिग्री, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 60 का सी होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र था, ठीक है। सभी विद्यार्थी से अनुरोध, एक बार लाइक कर दो, जो लाइक नहीं किया देखिए लाइक किए कि नहीं, और बिना लाइक किए गई ले तो मतलब नहीं जाना है बाबू, ठीक है। तो आप लोग लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे ज्वाइन कर लो आप लोग ग्रुप। क्योंकि देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करोगे ना तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, कि डायरेक्ट आप ग्रुप में जुड़ जाओगे तो एक ही बार PDF आप लोग को डालेंगे तो सभी विद्यार्थी के पास चला जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल से आप लोग ज्वाइन होते तो बहुत सारे विद्यार्थी हमको टाइम मिलेगा तभी तो ऐड करेंगे ना ग्रुप में, ठीक है। तो टाइम नहीं मिल रहा अभी, ठीक है, तो ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन करो, ठीक है। और वैसे भी हमारा नंबर तो ले सकते हैं आप लोग, 62070-32720, जिसका लिंक काम नहीं कर रहा है वो यहाँ पर मैसेज करेगा, ठीक है। लेकिन सबको इस पर मैसेज नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़िए, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए।